हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से आते हैं, आप अपने घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी भी स्ट्रीम में आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी एज हो, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज अप्लाई कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बेस्ट बात यह है कि अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो इसमें आप TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसकी जैसी 2400 प्लस और कंपनीज, 2400 और कंपनीज में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्टिंग में ही बता दिया ताकि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो ये वीडियो छोड़ पाएँ। इसके अलावा मैं लास्ट डेट भी बता देती हूँ ताकि अगर आप उसके बाद देख रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई है, यानी अभी आपके पास 10 दिन है। और एग्ज़ाम डेट जो है वो 15 जुलाई है, यानी अभी आपके पास 20 दिन है तैयारी के। अब आपको लग रहा होगा किस चीज़ का एग्ज़ाम, तो मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या। इसको कहते हैं TCS NQT यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। कई सारी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जिनको फ्रेशर्स या अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए। लेकिन लेट्स एडमिटेड कंपनीज़ के लिए भी ये किसी मेहनत से कम नहीं है। इतने सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना, उसमें उनकी काफ़ी टाइम और मेहनत लग जाती है। कंपनीज़ चाहती हैं कि उन्हें फ़िल्टर्ड कैंडिडेट्स मिलें जो काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो और जिनमें स्किल्स हों। इसके लिए TCS ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम क्यों ना एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करें जिसमें मार्क्स या स्कोर के बेसिस पे हम कैंडिडेट्स को जज कर पाएँ। और उसके बाद जो कंपनीज़ हैं वो उसमें जुड़ती चली गई, तो एट प्रेजेंट 2400 प्लस कंपनीज़ हैं जो TCS NQT के स्कोर को वैलिड मानते हुए कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। यानी आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और आप 2400 प्लस कंपनीज़ के लिए एक साथ अप्लाई कर पाएंगे अपने मार्क्स के बेसिस पे। जैसे मान लेते हैं आपके 70% मार्क्स आते हैं, तो वो सभी कंपनीज़ जो 70% कट ऑफ को हायर कर रही हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक बार अगर आप ये एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसका स्कोर कम से कम 2 साल तक वैलिड रहता है, यानी आप 2 साल तक सेम स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन व्हाट इफ़ आपने एग्ज़ाम दिया और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार चाहें, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, आप बार बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक आप अपने स्कोर कार्ड के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। और जब आपको लगता है कि आपके काफ़ी अच्छे परसेंट आ गए, जैसे 82% या 85%, और आप उसके बेसिस पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो स्कोर कार्ड 2 साल तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है ये क्वार्टरली कंडक्ट होते रहते हैं, यानी हर 3 to 4 मंथ्स में कंडक्ट होते रहते हैं। एक्चुअली वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार अगर वैकेंसीज़ कम है तो साल में 2 बार भी होता है, कई बार वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं साल में 6 बार भी हो सकता है। इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके बाद ये एग्ज़ाम 12 अगस्त और 16 सितंबर को होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, जो वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का ग्रेजुएशन 2018 से 2024 में हुआ है, यानी 2018 के जो पास आउट हैं, फिर 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, इनफैक्ट वो लोग जिनका ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट होगा, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही इसके बारे में पता चल गया, आप अभी से अप्लाई करेंगे। हो सकता है आपको एक बार में आपके स्कोर अच्छे ना लगें, या मान लेते हैं अगर आपके 80% भी आते हैं, यू कैन ऑलवेज टेक इट हायर, मे बी यू वॉन्ट 85%, तो आपके पास वो टाइम, वो स्पेस आपको मिलेगा 2024 तक। फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस है 2 साल तक का, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सारे इंडियंस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको घर पे ही बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करना है, सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडियंस आर एलिजिबल, इसमें एज का भी एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका ऑफिशियल लिंक दूंगी। मैं आपको पहले मोटे मोटे तौर पे इसका प्रोसेस बता दे रही हूँ। वहाँ पर आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा, यहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर अपना सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का मतलब है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी। TCS का जो आपकी सिटी में सेंटर होगा, वहाँ जाके आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, सिंपल एज दैट। उसके स्कोर के बेसिस पे आप जो भी उसका मार्क्स स्कोर करते हैं, फिर जो वेबसाइट पे कट ऑफ निकलेगा, यानी 2400 प्लस कंपनीज़ हैं, सब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्कोर पर हायर कर रही होंगी। तो TCS ION या जिसके थ्रू ये एग्ज़ाम हो रहा है, वही आपको मेल में बता देगा कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप 2 साल तक खुद इसी वेबसाइट पे जॉब्स देख के, करंट ओपनिंग्स देख के अपना स्कोर लगा के अप्लाई कर सकते हैं। स्कोर का मैं आपको एक और फ़ायदा बता दूं, आप अदर देन इन 2400 कंपनीज के अलावा भी अगर आप बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो TCS NQT एक इतना फेमस एग्जाम है कि काफ़ी सारी कंपनीज उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है इन 2400 कंपनीज के लिस्ट में, वहाँ पे भी स्कोर को काफ़ी वैलिड माना जाता है। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि आप नॉर्मली या जनरली काफ़ी स्मार्ट हैं। इट्स लाइक जैसे अगर आपके 12th में अच्छे परसेंट है तो आप नो मैटर वॉट किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। सेम वे इसका जो स्कोर है उसको भी जॉब एलिजिबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अच्छा स्कोर का ये मतलब नहीं है कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। यानी मान लेते हैं अगर आपके 87% आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी भीड़ में से आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, अब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा कंपनी के साथ। आपको एक इंटरव्यू और क्रैक करना होगा बस, यानी आप एटलीस्ट फिल्टर्ड कैंडिडेट्स में से पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है तो, ताकि आप ना अप्लाई करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आप अपना अच्छा माइंड मेकअप कर सकें। तो आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर लाने से डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी बल्कि इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अदरवाइज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि अदरवाइज़ इतने सारे कैंडिडेट्स, इतनी सारी भीड़ एक साथ इकट्ठी होकर अप्लाई करती है कि आप उसमें से अलग नहीं उठ पाते। लेकिन यहाँ आप अपने स्कोर के बेसिस पे अलग दिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। इस तरीके का पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट के बारे में सभी डिटेल्स दी हैं, जैसे लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एग्जाम डेट क्या है। आप देख सकते हैं कि अभी तक इसके थ्रू 1.6 लाख पीपल हैव गॉट जॉब। इसका पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो NQT के थ्रू हायर कर रही हैं वो भी देख सकते हैं। तो इन सब में जाके अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दिख रही होंगी। पहली कैटेगरी है TCS NQT कॉग्निटिव टेस्ट। ये सभी के लिए है, इस टेस्ट को सब दे सकते हैं, IT वाले, नॉन IT वाले, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। इस टेस्ट की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो ₹599 है, यानी सिर्फ ₹600। अगर आप एक IT इंडस्ट्री से आते हैं और IT इंडस्ट्री में ही जॉब लेना चाहते हैं तो आप TCS NQT ना देकर आप दें TCS NQT IT। इसकी फ़ीस लाइटली हायर है, ₹400 ज़्यादा है, यानी ₹999 आपको पे करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि कॉग्निटिव वाले टेस्ट को IT नॉन IT वाले दोनों लोग दे रहे हैं। अगर आप IT इंडस्ट्री से भी आते हैं लेकिन आपकी IT स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू गिव एग्ज़ाम, तब आप कॉग्निटिव वाला दें। लेकिन अगर आप IT स्किल्स के बेसिस पे ही जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप TCS NQT IT वाला फॉर्म फिल करें। इसमें आपको सैलरी एंड पैकेज भी थोड़ा सा बेटर मिलेगा। अगर आप फाइनेंस या बैंकिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से आते हैं या आपको बैंकिंग में किसी तरीके का कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप थर्ड कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं विच इज़ TCS NQT BFSI। तो देखिए इसमें 3 कैटेगरीज हैं। कॉग्निटिव वाली जिसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, सब एलिजिबल हैं। IT वाली जिसके लिए सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग या टेक्निकल एक्सपीरियंस के लोग। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हो सकता है आपने अपना ग्रेजुएशन किया है नॉन टेक में, आपने BA किया है या BSc किया है नॉन टेक में, लेकिन बाद में आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया कि आपने टेक स्किल सीखी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस से आते हैं तो आप BFSI वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आप इनमें से जिस भी कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं आप कॉग्निटिव को चूज़ कर रहे हैं, तो आप एक्टिवेट नाउ पे या बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अगर पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लॉगिन करने का ऑप्शन भी है, तो डायरेक्ट गूगल या फेसबुक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स, अपनी एग्ज़ाम डिटेल्स, ये सब फिल करने के बाद आपके सब्जेक्ट की जो भी डिटेल्स हैं, आपको अपनी फ़ीस पे करनी है और फिर आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। उस दिन आपको अपना एग्ज़ाम देना है, बहुत जल्दी आपको स्कोर मिल जाएगा। और ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपके कट ऑफ पे हायर कर रही हैं उसका मेल भी आपको आ जाएगा। अगर आपको मेल नहीं भी आता है तो भी आपको वेट नहीं करना है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं कि वो एग्ज़ाम दे देते हैं, स्कोर आ जाता है और उसके बाद वो वेट करते हैं कि हमें अपने आप ही कोई कंपनी अप्रोच कर ले। मे बी हो सकता है कि वो अप्रोच करे, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप टॉपर्स में से हैं, अगर आपके बेसिक स्कोर आते हैं, जैसे अगर आपके 80-85 स्कोर आते हैं जो नॉर्मली कैंडिडेट्स कई सारे स्कोर कर लेते हैं। 90% एंड अबव थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, अदरवाइज़ 90% से कम में काफ़ी सारे कैंडिडेट स्कोर कर लेते हैं। तो आपको खुद इनके करंट ओपनिंग्स में जाके या करंट वैकेंसीज़ में जाके जो जॉब्स हैं उसमें चेक करना पड़ेगा कि आपकी जॉब किस प्रोफाइल से मैच कर रही है। फाइनली अगर सैलरी की बात करें तो इसमें अभी तक का हाईएस्ट पैकेज 19 लाख्स पर एनम गया है, यानी अराउंड ₹1,58,000 पर मंथ, जो आई थिंक फाइनेंस या बैंकिंग से ही गया होगा। मैं अगर आपको एक क्लियर पिक्चर दूँ, मैं आपको बिल्कुल धोखे में नहीं रखना चाहती, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20-25 हज़ार महीना हो, या ऐसा भी हो सकता है 30-35,000 पर मंथ हो। ये मैं आपको एवरेज सैलरी बता रही हूँ, बहुत हाई फाई नहीं बता रही हूँ। 15-20 हज़ार पर मंथ तो कम से कम होनी ही चाहिए। इसके अलावा एवरेज आपको 35,000 या 40,000 तक भी मिल सकती है। इसके बाद अगर आप काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है अगर, तो 50-55 तक भी जा सकती है, या अगर आप आईटी से आते हैं या बैंकिंग एंड फाइनेंस से आते हैं तो और ज़्यादा जा सकती है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, कितना वो ऑफ़र कर रही है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आप कितना नेगोशिएट कर पाए, या आपकी प्रीवियस सैलरी क्या थी, या अगर कोई भी सैलरी नहीं थी तो बेसिकली आपने कितना अच्छा स्कोर किया, कितने अच्छे कैंडिडेट हैं आप। सो ये सभी डिटेल्स थी आज के वीडियो के बारे में। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल थी। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि बिट्स पिलानी BSc इन कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है, और उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जुलाई है। वीडियो का लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, स्क्रीन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग।